बेटा ये प्रॉब्लम देखिए, इसमें कह रहा है कि कंटेनर का थर्मली इंसुलेटेड है पूरा, ठीक है, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। अब इसने पिस्टन नहीं लिखा, तो हम पिस्टन को भी मान लेते हैं थर्मली इंसुलेटेड ही रहा, ठीक है ना, पिस्टन को भी मान लेते हैं थर्मली इंसुलेटेड है, कंटेनर प्लस पिस्टन बताना चाहिए ना इसको यार। कभी कभी पिस्टन कंडक्टिंग हो जाता है, बाकी सब इंसुलेटेड रहता है, लेकिन वो तब होता है जब इसके ऊपर कुछ रख दे या कुछ इससे और किसी से कनेक्ट कर रहा हो, तो फिर ये हो जाता है इसके ऊपर जो रखा है उसी से ही ट्रांसफर हो सकता है, बस ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर कंटेनर प्लस पिस्टन इज थर्मली इंसुलेटेड, प्रेशर ऑफ आइडियल गैस पी नॉट है आपका इनिशियली जब आपने इसको नेचुरल लेंथ पे रख रखा है, बट ये ज़्यादा है तो जब आप इसको छोड़ोगे, जिसने वही किया है कि जब स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पे थी इसको रिलीज किया है, और इक्विलिब्रियम पे क्या कह रहा है, पिस्टन का मास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, फ्रिक्शन लेस है, पिस्टन राइजेस बाई डिस्टेंस एक्स नॉट, जब इक्विलिब्रियम आता है, ठीक है, तो ये पिस्टन एक्स नॉट से उठ जाता है, मतलब स्प्रिंग एक्स नॉट दब जाती है, तो ठीक है बहुत अच्छी बात है। जब ये उठ जाता है तो आपको बोल रखा है स्प्रिंग एक्स, पिस्टन जितना उठ गया उतना स्प्रिंग दब गई, ठीक है, क्लियर है। और आपको एटमोस्फेरिक प्रेशर PATM यूज करना है, लिख गिवेन है इसमें, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एस है, पिस्टन का मास एम है, पिस्टन मासलेस नहीं है इस बार, ठीक है, पिस्टन का मास आपको एम दे रखा है, एटमोस्फेरिक प्रेशर PATM दे रखा है, इनिशियल प्रेशर गैस का पी नॉट। बट इनिशियल प्रेशर का मैं क्या करूं, उसने वो तो दिया नहीं कुछ इनिशियल मोल्स या कुछ, तो ठीक है मैं कुछ नहीं करता हूँ। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल एस दे दिया है इसने, तो उससे मैं वॉल्यूम चेंज लिख पाऊंगा कि वॉल्यूम चेंज कितना हुआ, ठीक है ना। देखिए आप, क्योंकि इतना एक्स नॉट पिस्टन उठ गया, तो ए एक्स नॉट एस एक्स नॉट कैपिटल एस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ध्यान रखना लिखा हुआ है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कैपिटल एस। तो आपको काफ़ी आइडिया लग गया इस प्रॉब्लम का कि जब आप पिस्टन को रिलीज करेंगे तो गैस प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से ये ऊपर धक्का मारेगा, और एक स्टेज पर आकर अभी ऑक्सीलेशन होंगे एकदम से जाके, बट माइनर ऑक्सीलेशन होंगे, ठीक है, और इसने बोला भी नहीं कि आप ऑसिलेशन का कुछ बताओ, फाइनल स्टेज पर पता है हमको इस पर नेट फोर्स जीरो हो रहा होगा, ठीक है, तो रिलीज करने के बाद जो फाइनल इक्विलिब्रियम, अभी भी ऑसिलेशन होंगे थोड़ी देर में खत्म भी हो जाते हैं, ठीक है, और इसमें हमको ऑसिलेशन भी नेग्लेक्ट करने पड़ेंगे, इसको बोलना चाहिए था स्लोली, क्योंकि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है, ठीक है, तो ऑसिलेशन नहीं, इसको बोला था बिल्कुल स्लोली जा रहा है और इक्विलिब्रियम पर जाके रुकता है, वैसे बोलते नहीं है कोई, बट प्रोसेस यही है, ठीक है, इक्विलिब्रियम पे जाके इसको रुक जाता है, धीरे धीरे जा रहा है, तो बिल्कुल स्लो मूवमेंट है, और पिस्टन राइजेज अप बाई डिस्टेंस एक्स नॉट, वॉल्स इंसुलेटेड है, तो कोई भी डेल्टा क्यू नहीं है, ठीक है ना, केवल धक्के की वजह से पिस्टन ऊपर उठ रहा है, और जब इक्विलिब्रियम है तब बोल रहा है कि डिस्टेंस एक्स नॉट मूव कर गया है, तो फाइंड आउट फाइनल प्रेशर एंड डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो फाइनल प्रेशर में कैसे बोलूंगा, पिस्टन पर फोर्स बैलेंसिंग है, फाइनल प्रेशर तो गैस का मान लो पी है, गैस का फाइनल प्रेशर पी एफ है, तो पी एफ इंटू इधर लग रहा है, ऊपर से क्या लग रहा है, PATM लग रहा है एक तो, और एक स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा, और एक इसका वेट होगा MgV होगा, और एक्स नॉट अगर स्प्रिंग कंप्रेस है जैसा कह रहा है, तो देखिए आपको FBD में दिक्कत तो नहीं है, पिस्टन के पिस्टन जो मास एम का है इसके FBD में दिक्कत तो नहीं है आपको, डायग्राम यहाँ फिर से बना देता हूँ मारवाड़, ठीक है ना, ये पिस्टन की मान लो इनिशियल पोजीशन थी, और ये पिस्टन की फाइनल पोजीशन, फाइनल पोजीशन में स्प्रिंग एक्स नॉट से दब जाती, इनिशियल फाइनल, जब इक्विलिब्रियम आ गया तब इतनी दबी थी, प्रोसेस क्लियर है बेटा, धक्के की वजह से गैस प्रेशर के वो इस तरह से मूव करता है। तो आपको अब इंटरनल एनर्जी चेंज बताना है, ठीक है, तो इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे बताएं, देखो वही फर्स्ट लॉ आएगा, अब क्या करें, कि आपको ये तो बता नहीं रखा कौन सी एटोमिसिटी गैस है या कौन सी आइडियल गैस बोल रखा है, टेम्परेचर चेंज भी मालूम नहीं है किसी भी तरह से, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, इंटरनल एनर्जी चेंज के लिए आप फर्स्ट लॉ लगाइए, यही होता है फर्स्ट लॉ, आपको याद हो गया कि बेटा ये पढ़ते पढ़ते, या रिवाइज करना पड़ेगा आपको अभी, तब याद होगा, हीट गिवेन टू ए थर्मोडाइनेमिक सिस्टम इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी, ठीक है, ये आपका क्या है, कुछ है नहीं, इंसुलेटेड है तो ये जीरो हो गई, तो
डी यू किसके बराबर आएगा, जो वर्क डन बाई गैस होगा उतना उसका इंटरनल एनर्जी चेंज होगा। अब क्योंकि आपको स्प्रिंग कांस्टेंट और ये सब दे रखा है तो आप वर्क डन बाई गैस निकाल सकते हैं, वही पिस्टन एज ए सिस्टम, वही प्रोसेस, बस इंटरनल एनर्जी से कंबाइन होगी। पिस्टन को सिस्टम ले लिया और इस पर डेल्टा के इसका जीरो है, तो पिस्टन प्लस स्प्रिंग ब्लॉक, स्प्रिंग को हमेशा साथ में ले लेते हैं ना, पिस्टन प्लस स्प्रिंग, तो आप क्या लिखेंगे, एक्सटर्नल कितना है एम जी बचा बस एक पिस्टन और इस पर, एम जी प्लस गैस सारे बच गए, एम जी प्लस गैस प्लस एटीएम, ये किसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं है, फाइनली केवल स्प्रिंग दब गई जो बिल्कुल नहीं दबी हुई थी टी इक्वल टू जीरो पर, इनिशियली अनस्ट्रेस थी। तो ये इक्वेशन क्लियर है बेटा, एक्सटेंडेड फॉर्म, बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी आपको, आपने बहुत बार नोट्स पढ़े होंगे, बहुत बार बोला गया था। तो एम जी गैस का वर्क प्लस एटमोसफेयर का वर्क इक्वल टू चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है। तो एम जी का वर्क कितना है आपका वो भी लिख सकते हैं, ऊपर गया माइनस एम जी एक्स नॉट हो जाए, गैस का वर्क डन क्या लिखे, गैस का वर्क डन निकालना ही है आपको, एटीएम का आप लिख सकते हैं माइनस पी एटीएम इनटू एरिया, और ये क्लियर है, तो बस गैस का ही बच गया इसमें, सीधा निकल जाएगा बिना दिक्कत, ठीक है ना, गैस का ही बच गया। आप इसका इंटीग्रेशन पीडीवी से भी देख सकते हैं, तो उसमें आप क्या करेंगे प्रेशर लिख लेंगे, ठीक है ना, एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और फिर आप उसको इंटीग्रेट करेंगे तो होगा ही, क्योंकि इंटीग्रेशन में हाफ के एक्स स्क्वायर अपने आप बनेंगे। आप वैसे भी लिख सकते हैं कि आप पहले प्रेशर निकाल लें, ठीक है ना, क्लियर है, मानेंगे स्लोली जा रहा है, मैंने पहले ही बोला आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए मैंने जीरो किया है कि वहां जाके रुक भी जाता है, क्लियर है। तो फिर आप इंटीग्रेट करेंगे तब भी वही आएगा प्रेशर लिख के, इंटीग्रेशन पीडीवी से गैस का वर्क, तो आपका ये कितना आ गया माइनस एम जी इंटू एक्स नॉट प्लस वर्क डन बाई गैस माइनस पी एटीएम इंटू कितना डेल्टा वी, वो है एस इंटू एक्स नॉट, चेक करिए इसमें दिक्कत तो नहीं, इक्वल टू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। एनर्जी वाली इक्वेशन पे ज्यादा सोचा करो, मैंने पहले भी कहा डायनेमिक से कम होती है एनर्जी से, बहुत चीजें सॉल्व। आपने पिस्टन को अगर सिस्टम लिया तो उसका डेल्टा के जीरो है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर सीधा है आपका माइनस पी ए टी एम इंटू एस एक्स नॉट, ठीक है। तो डब्ल्यू गैस कितना आ गया आपका, डब्ल्यू गैस आ गया आपका एम जी एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पी ए टी एम इंटू एस इंटू एक्स नॉट आ गया, ठीक है। तो बस अब आपका डी यू किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू गैस के बराबर, चेंज इन कितना आ गया वर्क डन बाई गैस, ये आ जाएगा एम जी एक्स नॉट प्लस 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पी ए टी एम इंटू एक्स नॉट आ जाएगा। देखिए बेटा कोई डाउट तो नहीं है, दो तीन बार करेंगे इस क्वेश्चन को तब ऐसे और कर पाएंगे, एक बार में नहीं होता है, ठीक है ना, एक बार में चीजें नहीं हो पाती हैं, दो तीन बार आपके हैंड से निकल जाएगा रिवीजन में हर 7 दिन के इंटरवल पे, देन ओनली ऐसा है कि अगर आपके फेस टेस्ट में आता है, फेस 3 का जो टेस्ट होगा आपका, तो आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, आप तो भूल जाएंगे अभी थोड़ी, ठीक है। और देखिए किसी तरह की प्रोसेस में तो दिक्कत नहीं है आपको, क्लियर है कहाँ से ऊपर उठा था, इक्विलिब्रियम भूला है इसने खुद ने, तो फोर्स बैलेंसिंग से आप यहाँ का पीएफ निकाल सकते हैं, पीएफ लिखा नहीं मैंने, लिख दूंगा एक बार, ये फोर्स बैलेंसिंग से कितना आता है पी एटीएम और पीएफ, सारे नीचे ही लग रहे हैं बाकी तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, एम जी बाई कैपिटल एस क्योंकि एरिया लिखोगे ना, और प्लस के एक्स नॉट बाई कैपिटल एस, तो ये आंसर होता है, ये आंसर है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर, ठीक है, लास्ट पार्ट का ये देखिए आप, इसमें कोई डाउट तो नहीं बेटा इस प्रोसेस में।